अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ वो है ऑब्जेक्ट में जाके पाथ मेन्यू में जो जितने भी सब कुछ है ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। ये हमारी लास्ट क्लास होगी एडोब इलस्ट्रेटर की। इसके अलावा जो है प्रैक्टिकल क्लासेस में तो चलता रहेगा इलस्ट्रेटर, लेकिन डिटेल्ड क्लास ट्रेनिंग में जो है ये हमारी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि सब कुछ मैं ओवरऑल टूल्स के मुताबिक समझा चुका हूँ आप लोगों को। और अगर आप न्यू यूज़र्स हैं, बिगनर्स हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ये सब मेरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जो कि मैंने क्लासेस डिटेल क्लासेस दी हैं। चलें चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेन टूल ले लेता हूँ और इसको जो है कुछ भी लाइन लगा लेता हूँ। फर्ज करें यहाँ तक मैं लगा के पी दबा देता हूँ। पी जब प्रेस करूँगा तो अब हमने क्या करना है, ये ओवरऑल सिलेक्शन कर ली, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन पे मैं जाऊंगा। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, पाथ पे जाऊंगा तो पाथ पे ये ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। ज्वाइन का ऑप्शन इसीलिए होता है, ये खुद ब खुद पाथ क्रिएट कर देगा। वो कैसे, ये देखें। तो इसके अलावा और भी इसी तरह कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो है ना कि हम लोग कोई भी आर्ट वर्क बनाते हैं या कोई भी पेंटिंग बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसके पाथ ज्वाइन करना हम भूल जाते हैं तो फिर कलर होने में प्रॉब्लम बनती है। तो इस तरह ज्वाइन पाथ करके आप जो है ना ईजिली जो है इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ईजिली कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा टेक्निक है। फिर दोबारा एक और मैं जो है चीज़ आपको वो करके दिखाता हूँ कि फ़र्ज करें कि मैंने एक बॉक्स ले लिया और जो है इसकी ये वाला डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको डबल सेलेक्ट करके सब ले आता हूँ। फिर जस्ट मैंने इनको सेलेक्ट करना है तो मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, पाथ पे जाऊँगा और जस्ट ज्वाइन क्लिक कर दूँगा। ओके, ये सिंपल सी टेक्निक थी कि आपने जाना पाथ कैसे जो है ना मीन्स के इन किसी भी चीज़ के दरमियान में पाथ कैसे बनाना है। ये चीज़ दूर भी होगी तो वो भी पाथ इजीली ये इलस्ट्रेटर बना लेगा। ओके, जस्ट आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चीज़ों को सिलेक्ट करना है पॉइंट्स को। ओके, नेक्स्ट टूल जिस पे मैं जाना चाहता हूँ वो है ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ मैं आपको समझा देता हूँ। ऑफसेट पाथ क्या होता है, ऑफसेट पाथ इसके फर्ज करें ये मैंने एक लाइन लगा ली तो उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसका ऑफसेट पाथ मैंने क्रिएट करना है। ऑफसेट पाथ में मैं जाऊँगा तो उसके बाद प्रीव्यू कर लूँगा। जिस तरह ओवरऑल बाकी टूल्स में भी प्रीव्यू के बगैर कोई चीज़ नज़र नहीं आती क्या चीज़ हम कर रहे हैं, तो आपने प्रीव्यू ज़रूर करना है। ओके, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप जाना इसको राउंड करना चाहते हो या किस हिसाब से इसके पाथ को करना चाहते हो, उसके बाद बेवल करना चाहते हो, उसके बाद मीटर करना चाहते हो। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप इसको 10 रखना है, 20 रखना है, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चीज़ रखना चाह रहे हैं। कंट्रोल जी मैं करता हूँ, फिर दोबारा मैं जाता हूँ और पाथ में जाता हूँ और ऑफसेट पाथ में जाता हूँ, उसके बाद प्रीव्यू कर लेता हूँ। इसको मैं 30 कर लेता हूँ। जब मैं इसको 30 कर लूँगा, ओके करूँगा, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। इसके आप इसको इसके इनसाइड भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे आप, कंट्रोल जी मैं करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, आपने जस्ट पाथ पे जाना है और ऑफसेट पाथ पे जाना है। इसको जो है ना आपने कर लेना है जी माइनस 10 कर लेता हूँ मैं, तो ये देखें आप इसके इनसाइड जो है ना बनने शुरू हो गया। तो ये सिंपल सी टेक्निक थी कि आपने किसी भी चीज़ में जो है ना ऑफसेट पाथ कैसे क्रिएट करना है। ओके, नेक्स्ट जो टूल मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो है कि आपने जो है ना पाथ में जाएंगे आप सिंप्लीफाई का क्या काम, कि मैं एक पेन टूल से कुछ भी लाइन लगा लेता हूँ और मेरा मूड है कि यार ये जो है ना एक स्मूथ लाइंस आ जाए, तो उसके लिए सिंप्लीफाई टूल यूज़ होता है। सिंप्लीफाई ऑब्जेक्ट सिंपली आप जाएंगे और सिंप्लीफाई में जाएंगे। ओके, और प्रीव्यू कर दें। तो ये सिंपल सी टेक्निक थी कि आप जो है ना सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं, मीन्स के इसको स्मूथनेस इसकी जितनी आप चाहें वो कर सकते हैं। शो ओरिजिनल आप करना चाहें तो ओरिजिनल वो था, उसके बाद स्ट्रेट लाइंस ये है स्ट्रेट लाइंस, उसके बाद थ्रेशोल्ड कितना एंगल आप देना चाह रहे हैं किसी चीज़ में या
जो है ना इसको कितना स्मूथ करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो आपकी चॉइस है कि आप किसी भी चीज़ को स्मूथ करने के लिए उसमें जो है ना पाथ में आप जस्ट जाएंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी। ये सिंपल सी टेक्निक थी कि आपने जो है ना कर्व्स को, मोस्टली ऐसा होता है कि हम पेन टूल से, जो न्यू यूज़र्स हैं वो पेन टूल से कोई चीज़ बनाते हैं वो जो है ना मीन्स के स्मूथ नहीं होती, तो उसको स्मूथ करने के लिए जो है ना सिंप्लीफाई टूल यूज़ होता है। सिंपल सी टेक्निक थी। हूँ मैं इस पर ये लाइन्स सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीन इधर हैं, तीन इधर हैं, तीन इधर हैं, तीन इधर। ऑब्जेक्ट पे मैं जाऊँगा, पाथ पे जाऊँगा और ऐड एंकर पॉइंट कर दूँगा, तो इसने एंकर पॉइंट ऐड कर दिया। पाथ पे गए और ऐड एंकर पॉइंट, तो ये आप देख सकते हैं कि इसने एक एंकर पॉइंट इधर ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा। पहले तीन तीन थे, अभी चार चार हो गए हैं। और इसके अलावा और ज़्यादा आप एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए जस्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, पाथ पे जाएंगे और ऐड एंकर पॉइंट कर दें। तो इसमें तो ये अपने एंकर पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको डिटेल टूल्स की क्लास में समझाया था कि आप ऐड एंकर पॉइंट करने के लिए आप जस्ट इस पेन टूल से भी आप ऐड एंकर पॉइंट कर सकते हैं, ये इधर आपके पास आ रही होती है ऑप्शन। इसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप किस जगह पे एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आपने जो है ना कौन से टूल इस्तेमाल करना है और किस तरह जो है ना चीज़ों को यूटिलाइज करना है। तो नेक्स्ट जो टूल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो रिमूव व एंकर पॉइंट। रिमूव व एंकर पॉइंट इस आप जो है ना जस्ट इसको डायरेक्ट सिलेक्शन करके सर्च करें ये, और ये जो मैंने एंकर पॉइंट बनाया था इसको मैं जो है ना इस पर जाता हूँ और डिलीट एंकर पॉइंट टूल इस पर क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये एंकर पॉइंट्स डिलीट हो गए हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि कंट्रोल जी मैं कर लेता हूँ तो ये एंकर पॉइंट्स दोबारा मैं ले आता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना यार मैंने ऐसे नहीं करना, तो मैं जस्ट इसको सिलेक्शन करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्शन करूँगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और पाथ पे जाऊँगा और रिमूव एंकर पॉइंट्स कर दूँगा, तो ये आप देख सकते हैं एंकर पॉइंट्स रिमूव हो गए। ओके, ये थी सिंपल सी टेक्निक कि आपने जो है ना इसको कैसे यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट जो टूल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट पे जाके कि आपने चीज़ों को डिवाइड ऑब्जेक्ट्स, डिवाइड ऑब्जेक्ट्स का कैसे करना है। फर्ज करें मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, जैसा कि हमने पाथफाइंडर टूल में पढ़ा था कि आप उधर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिवाइड में और उस डिवाइड में क्या फ़र्क है वो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें इसको मैं जो है कर लेता हूँ ब्लू कलर और इसको मैं कर लेता हूँ पर्पल कलर। ओके, डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसको जो है ना राइट क्लिक करके टॉप पे ले आता हूँ। ओके, जस्ट आपने इसको सिलेक्शन कर लेना है, ऑब्जेक्ट पे जाओगे आप, पाथ पे जाओगे और डिवाइड डाउन। ओके, अब क्या हुआ है ये देखें, ऊपर वाले के हिसाब से इसने डिवाइड कर दिया है। ओके, कंट्रोल जी मैं कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो मैं बता रहा था कि आपको पाथफाइंडर में भी ये चीज़ हो सकती है, पाथफाइंडर में भी हो सकती है, लेकिन वो चीज़ मीन्स के अगर आप इसको डिवाइड करते हो इधर से, ये डिवाइड हो गया अनग्रुप इधर से किया तो फिर ये चीज़ डिवाइड हो गया, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये जो कलर है ये ब्लू कलर ये इसी में आ गया है। तो आप अपने काम की आसानी के लिए आप जस्ट जो है ना कंट्रोल जी मैं करके दिखाता हूँ आपको, आपने जस्ट ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ जो सबसे ऊपर होगी, ऊपर वाली लेयर को आपने सिलेक्ट करना है, पाथ पे जाना है और डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो पे चले जाना है। तो ये आप देख सकते हैं कोई कलर चेंज नहीं, कोई मैं इसके आपको अलग अलग चीज़ों को नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। ओके, नेक्स्ट जो टूल मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वो है हमारे पास कि आपने इसको ग्रिड में कैसे कन्वर्ट करना है। फर्ज करें ये मैंने बॉक्स ले लिया है, इसको मैं ग्रिड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रीव्यू करूँगा क्या यार इसमें ग्रिड कितनी आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा एडिशन करूँगा और इधर से भी एडिशन करूँगा, मैं इसके चार चार दोनों तरफ दे देता हूँ। तो ये चीज़ स्पेशली यूज़ होती है कि आपने जो है ना इक्वली
बॉक्स के इक्वली पीसेस करने के लिए आपने ग्रिड बनानी है, तो जस्ट ओके आप करोगे तो ये आप देख सकते हो कि आपके सामने ऑटोमेटिकली ग्रिड उसने बना दी। जस्ट आप इसको सिलेक्शन करके, ये आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन करके इसको मूवमेंट कर सकते हो। इसके सिंपल सी टेक्निक्स हैं, सिंपल सी वही सब कुछ रिपीट हो रहा है, लेकिन ये है कि जो है ना कि चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, टूल्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि हर टूल, एक टूल आपको डिटेल्स में बताया जाए। तो नेक्स्ट जो पाथफाइंडर में जो टूल हमारे सामने आ रहा है वो है क्लीन अप का टूल। क्लीन अप का टूल इस तरह आपको समझ नहीं आएगा, इसको मैं जो है ना डिलीट कर लेता हूँ। तो ये मैंने डिलीट कर लिया, तो इसको फर्स्ट करें मैं वाइट कलर कर देता हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग आर्ट वर्क बनाते हैं, ये मैंने आर्ट वर्क बना लिया, ये कुछ भी बना लिया, या पेन टूल से मैं अगर कुछ भी कोई भी चीज़ बनाता हूँ और उसकी जो है वाइट कलर हुआ हुआ है, या जो है ना ओवरऑल जो है ना इन सब में नील कलर हुआ हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे आर्ट वर्क में प्रेजेंट तो हैं लेकिन हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो इन चीज़ों को आपने रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप आर्ट वर्क प्रिंट करने के लिए भेजते हैं तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं। तो इन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपने जो है ना आपने ऑब्जेक्ट पे जाना है, पाथ पर जाना है और क्लीन अप पे चले जाना है। क्लीन अप जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि आप सिर्फ पॉइंट्स को करना चाहते हैं, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स को करना चाहते हैं और एम्प्टी टेक्स्ट पार्ट्स को करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसको ओवरऑल सिलेक्शन रखें और जस्ट ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट्स आपके सामने मौजूद नहीं है। तो ये थी डिटेल क्लास पाथ मेन्यू की, जो कि मैंने आपको ओवरऑल समझा दी। एवरेज टूल मैंने आपको नहीं बताया, और उसके बाद ये स्ट्रोक, आउटलाइन स्ट्रोक नहीं बताया, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पेन टूल की क्लास में समझा दिया था। तो आप जाएँ मेरी पेन टूल की क्लास में, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इलस्ट्रेटर की पहले डिटेल्स क्लास एक एक टूल की आप सीखेंगे तो आपको समझ आएगा कोई भी चीज़ कैसी भी, कोई भी चीज़ कैसे क्रिएट करनी है आपने। चले मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाद यूनस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।